हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रेयसी। आज के वीडियो की टॉपिक है वॉक इन क्लोजेट की जो एप्रोप्रिएट जो स्पेस वो कितना होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। तो आज चलिए आज इस विषय पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। वॉक इन क्लोजेट, चेंजिंग रूम या स्टोर रूम, आप कुछ भी कह सकते हैं। और इसका जो स्पेस मिनिमम जो स्पेस वो कितना होगा वो डिपेंड करते हैं 3 पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट नंबर 1, आपके घर में स्पेस कितना है। तो स्पेस डिपेंड करते हैं कितना है आपके घर में स्पेस, आप कितना स्पेस दे सकते हो एक क्लोजेट के लिए। नंबर 2, आपके बजट कितना है। नंबर 3, आपका नेसेसरी क्या है, आपके नेसेसरी के अकॉर्डिंग इसका जो डिज़ाइन और डिज़ाइन क्रिएट किया जाएगा। एक क्लोजेट बनाने के लिए 3 टाइप्स की जो स्पेस वो होते हैं। नंबर 1 स्पेस है स्मॉल या स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप में क्लोजेट बनते हैं और स्मॉल स्पेस भी हो सकते हैं। और एक स्पेस है नैरो टाइप का स्पेस होते हैं। यहाँ पर इस टाइप की जगह पर भी क्लोजेट बन सकते हैं। और एक स्पेस जो पाए जाते हैं वो लार्ज, आप लार्ज या लग्जूरियस वॉक इन क्लोजेट भी बनवा सकते हैं अपने की घर में। तो हो गया सिंगल साइड वॉक इन क्लोजेट। डबल साइड वॉक इन क्लोजेट जहाँ पर नैरो साइज होता है, नैरो स्पेस होता है, वहाँ पर आपको जो आपका एंट्री करने का जो स्पेस वो मिडिल पर होगा और 2 वॉल में आपका स्टोरेज कैपेसिटी रखा जाएगा या क्रिएट किया जाएगा। और एक वॉक इन क्लोजेट का जो डिज़ाइन होता है वो है आइलैंड वॉक इन क्लोजेट, जहाँ पर आपको जो 3 वॉल में आप स्टोरेज बनाने के लिए आपके पास स्पेस होगा और मिडिल पोर्शन में भी आपको स्टोरेज बनाने के लिए स्पेस होगा या ड्रॉयर वगैरह बनाने के लिए मिडिल पोर्शन में भी आपके पास स्टोरेज का स्पेस होगा या जगह होगा। इसको बोलते हैं आइलैंड वॉक इन क्लोजेट। अगर आपके पास 8x10 फीट की बड़ा सा स्पेस हो तो आप रैप अराउंड वॉक इन क्लोजेट भी बनवा सकते हैं। थोड़ा सा लग्जूरियस एक वॉक इन क्लोजेट है जिसमें एक रूम जैसा इसका जो स्पेस है रूम जैसा है, क्योंकि आप सोच भी सकते हो 8x10 फीट का, यानी कि एक छोटा सा रूम हो गया। इंडिया में ज़्यादातर घर में जो वॉक इन क्लोजेट बना जाते हैं वो ज़्यादातर होते हैं स्मॉल या स्क्वायर शेप में। नैरो स्पेस भी कभी कभी मिल जाते हैं। तो इसके लिए स्पेस मिनिमम कितना होना चाहिए, देखिए जो एक्चुअल जो मिनिमम स्पेस, जैसे कि 2 लोग इसके अंदर जा सकते हैं, इसके लिए सफिशिएंट जो जगह है वो 7x10 फीट का होना चाहिए। 7x10 फीट का जो वॉक इन क्लोजेट अब बनकर तैयार होता है उसमें 2 लोगों के लिए स्पेस अवेलेबल होता है मिडिल पोर्शन पर। अगर आपके पास इसे भी कम जगह है, अब 1 वॉल में स्टोरेज कैपेसिटी बनाना चाहते हैं, यानी कि एक साइड में हो गया आपका स्टोरेज एरिया और ऑपोजिट वॉल है आपके जो डोर है, डोर के लिए बनाया जाएगा। तो इस टाइप की जो वॉक इन क्लोजेट बनकर तैयार होता है इसके लिए आपके मिनिमम जो जगह लगेगा वो है वाइड में 6 फीट और उसका जो डेप्थ होगा वो 4 फीट तक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ।